सो भी लोग, एक आदमी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर फैमिली कोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज करता है और वो ये कहता है कि वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देगा क्योंकि उसके वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट खो चुका है। और वो जो एक चैलेंज कर रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर, वो कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। इसके साथ साथ उसका यह भी कहना था कि वो अपने वाइफ के खिलाफ एक डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया था जिसमें उसने एक्स पार्टी ऑर्डर में उसको डिवोर्स मिल चुका है। और उसके बावजूद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहता है कि उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन भी लोग सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 तो ये कहता है इफ अ वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री तो वो कभी भी मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकता। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कैसे उस वाइफ को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर उस आदमी को दिया? सो वीडियो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो वीडियो असल में एक आदमी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आया था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उसने एक अपील किया था और वो जो अपील किया था वो अपील किया था अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट। वैसे भी लोग फैमिली कोर्ट में जो ऑर्डर पास किया गया था वो था मेंटेनेंस देने का। वैसे भी लोग जिस हस्बैंड ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आकर वो अपील किया था उसके वाइफ ने फैमिली कोर्ट में अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के मुताबिक मेंटेनेंस क्लेम किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि सिचुएशन में वो आदमी, वो हस्बैंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आकर ये कहता है कि उसके वाइफ इज हैविंग अफेयर विद अनदर मैन और इसके वजह से वो एक एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में भी है। तो इसी के ग्राउंड के साथ उसके वाइफ को ये राइट नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सके क्योंकि सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 इसको बार करता है, जहां पर ये कहा गया है कि नो वोमेन कैन एंटाइटल मेंटेनेंस इफ ही इज लिविंग इन एडल्ट्री। इस केस में पहले तो वो हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया था। लेकिन इस डिवोर्स पिटीशन में उसे एक एक्स पार्टी ऑर्डर मिल जाता है ऑफ डिवोर्स। जब ये बात उस वाइफ को पता चलता है तो वो वाइफ फैमिली कोर्ट में आकर मेंटेनेंस क्लेम करती है, जिसके बाद दो पार्टी को सुनने का बात। वैसे वे लोग इस केस में जो पिटिशनर था, मतलब जो वाइफ था, उसका ये कहना था कि उसने उसके हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस इसलिए क्लेम किया है क्योंकि उसके हस्बैंड उसको खाने पीने का या रहने का पैसा नहीं देता है। इसके साथ साथ उसको मारता है, पीटता है और उसके साथ साथ उसको फोर्सली उसके घर से निकाल भी दिया था। इसके साथ साथ फैमिली कोर्ट में हस्बैंड का ये कहना था कि उसके वाइफ ने उसके खिलाफ जो जो आरोप लगाया है वो एकदम बेबुनियाद है। उसके साथ साथ इस केस में उस हस्बैंड का ये भी कहना था कि उसके वाइफ इज लिविंग इन ए एडल्ट्रियस रिलेशनशिप, जिसके बदलत फैमिली कोर्ट ने उसके ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए ऑन द काउंट ऑफ एडल्ट्री तो आप प्रूफ लाइए। लेकिन इस केस में जिस एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था उसके मुताबिक फैमिली कोर्ट को तो यही लगा कि पिटिशनर को मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, जिसके बदलत फैमिली कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करता है जिस ऑर्डर में फैमिली कोर्ट ने ओपी, मतलब इस केस में जो ओपी था, ऑपोजिट पार्टी जो हस्बैंड था, उसको ये कहा गया था कि आप अपने वाइफ को हर महीने 10,000 रुपए पे करोगे एज ए मेंटेनेंस। तो इसी ऑर्डर के खिलाफ वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आकर एक अपील करता है। तो मेरे किस अपील में हस्बैंड का ये कहना था तो इस अपील में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हस्बैंड का ये कहना था कि सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 तो ये कहता है कि अगर एक वोमेन इज लिविंग इन एडल्ट्री तो सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में उस हस्बैंड का यही कहना था कि उसके वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है एक अलग आदमी का, बावजूद वो अपने वाइफ को क्यों मेंटेनेंस देगा। इसके साथ साथ इस केस में उस हस्बैंड का ये भी कहना था कि उसने अपने वाइफ को डिवोर्स दे चुका है, उसको डिवोर्स के केस में एक्स पार्टी ऑर्डर उसको मिल चुका है तो वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस क्यों देगा। सो वीडियो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सबसे पहले वाइफ के डेफिनेशन को क्लियर करता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के मुताबिक ये कहता है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के मुताबिक वाइफ उसे भी कहा जाएगा जो डाइवोर्सी है, लेकिन वाइफ उसे नहीं कहा जाएगा जो रीमैरिड कर लिया है। अगर आप अपने वाइफ को डिवोर्स भी दे देते हो उसके बावजूद एज पर सेक्शन 125 सीआरपीसी उसे वाइफ माना जाएगा, तब तक माना जाएगा जब तक वो दूसरी शादी कर नहीं करती है। तो इस सिचुएशन में आपके वाइफ तो दूसरी शादी नहीं करता है तो इस लॉजिक के मुताबिक उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इसके बाद आता है एडल्ट्री के बाद। हाँ, ये बात सही है कि सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर एक वुमेन इज लिविंग इन एडल्ट्री तो सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो वुमेन मेंटेनेंस का केस तब फाइल करता है जब वो एडल्ट्री रिलेशनशिप में नहीं है तो सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और वो उसके वाइफ तब मेंटेनेंस फाइल करता है जब वो कोई एडल्ट्री के रिलेशनशिप में नहीं थे। एडल्ट्री के बाद तो बाद में आया कोर्ट में, पहले तो इसके बारे में उसके हस्बैंड के द्वारा भी नहीं बात किया गया था।
जब वो उस केस में रिटन ऑब्जेक्शन दिया गया था हस्बैंड को, तब तो इसके बारे में नहीं बताया गया था। तो इस सिचुएशन में उसके वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो भाई लोग, इससे एक चीज़ क्लियर होता है कि अगर एक हस्बैंड ये कहता है कि वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देगा ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, तो उसको एक चीज़ प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि जब वो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उस टाइम शी इज हैविंग एन अफेयर विथ अनदर मैन। सो भाई लोग, ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।